गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है जॉन्डिस। देखो जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया। जॉन्डिस जिसे बोलते हैं पीलिया, मतलब क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, वो पीलिया जो डिजीज होती है वो किसे इफेक्ट करती है, किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, तो आप बताओगे लिवर को। और देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारी जॉन्डिस की कंडीशन में जो भी हमारी स्किन वगैरह होती है वो येलो इस कलर की हो जाती है, ठीक है, वाइट ऑफ आइस और टर्न येलो, येलो स्किन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसके साइन हो गया, साइन सिम्टम्स हो गए इस तरीके की, मतलब स्किन हो गया, दीज आर नॉर्मल एंड हेल्दी स्किन और दीज आर जॉन्डिस। देखिए ये डिफरेंस हो जाता है, जैसे एक ही पेशेंट है उसको हमने आइडेंटिफाई करा रहे हैं, वन साइड है नॉर्मली या हेल्दी स्किन बोलेंगे आप, हेल्दी लिवर या जो भी, मतलब विदाउट जॉन्डिस कंडीशन है, नेक्स्ट बने जॉन्डिस कंडीशन, तो इसमें क्या है, येलो स्किन हो गई है, ये इसके साइन सिम्टम्स जॉन्डिस। देखो जॉन्डिस क्या होता है कि इसमें एकदम आपको अभी बताया जो स्किन वगैरह है एकदम येलो इस कलर की होती है, बिलरुबिन वगैरह है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में जॉन्डिस या पीलिया बोलते हैं। येलो इस डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन कंजुगेटेबल मेम्ब्रेन ओवर द स्क्लेरा एंड अदर म्यूकस मेम्ब्रेन, बिलरुबिन शुड बी मोर देन 3-fold ऑफ नॉर्मल वैल्यू, क्या होता है 0.5 mg/dL, जॉन्डिस 1.5 mg/dL, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई, ये इंक्रीजमेंट फिर इसमें हो जाता है। कॉजेस, अब देखो जो जॉन्डिस होता है, जो जॉन्डिस हमारी किस कंडीशन में रहता है, जॉन्डिस जो कॉजेस होता है वो 3 कंडीशंस होता है, फर्स्ट वन इज प्री हेपेटिक एंड सेकंड इज हेपेटिक एंड लास्ट वन इज पोस्ट हेपेटिक, दीज आर कॉजेस ऑफ जॉन्डिस, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। अब प्री हेपेटिक में हमारा क्या होता है, हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है, इसमें जो आरबीसी होती है वो डिस्ट्रॉय जल्दी होने लगती हैं, आरबीसी का डिस्ट्रॉय जल्दी होने लगती है और निर्माण होता है वो कम होता है, ठीक है, वो हीमोलिटिक एनीमिया। ये किसमें आ गया, प्री हेपेटिक कंडीशन में। नेक्स्ट वन इज हेपेटिक, हेपेटिक कंडीशन में हमारा क्या होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस होता है हमारा, और क्या होता है, हेपेटोक्सिटी, एल्कोहलिक लिवर डिजीज। एल्कोहलिक लिवर डिजीज क्या होता है कि अगर जैसे आप ओवरडोज, मतलब एक कैपेसिटी होती है, जैसे किसी आप जो एल्कोहल ले रहे हैं तो उसकी एक कैपेसिटी है, एक मात्रा है कि आप इस अमाउंट तक ले सकते हैं, वैसे एल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए लिवर के लिए, अगर आप ले रहे हैं अगर ओवरडोज में ले लिया तो क्या होता है, एल्कोहलिक लिवर हो जाता है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, मतलब ओवरडोज एल्कोहल लेने की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, प्राइमरी बाइलरी सीरोसिस, ठीक है, और क्या होता है, सिरिगल नजार सिंड्रोम, ठीक है, क्रिगल नजर सिंड्रोम CNS से बोलते हैं एक, ये मतलब क्या, मतलब टू साइंटिस्ट, जो क्रिगल है और नजार सिंड्रोम है, ये दो साइंटिस्ट के नाम से है, नेम ऑफ टू साइंटिस्ट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो भी इसके हालात का जो विवरण हुआ था वो 1952 में हुआ था, तो उसी बेसिस पर इसका नाम रखा गया सिरिगल नजर सिंड्रोम, ठीक है, क्रिगल नजर सिंड्रोम CNSV से बोलते हैं, 1952 में ये मतलब इस कंडीशन को ऑब्जर्व किया था दो साइंटिस्ट ने, ठीक है, नाम क्या था, क्रिगल और नज्जर। उसके बाद आगे हम बात करते हैं ग्लेबर्ट सिंड्रोम की, GS जिसे बोलते हैं, ग्लेबर्ट सिंड्रोम। ये क्या होता है, मतलब इसमें हल्का सा एकृत विकार हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब बिलरुबिन सही से संसाधित नहीं कर पाता है, इसके मतलब ज्यादा साइन सिम्टम्स शो नहीं करेंगे, जो हमारे ग्लेबर्ट सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि सही से इसके साइन सिम्टम्स ज़्यादा शो नहीं करते हैं, ज़्यादा लक्षण नहीं दिखेंगे, मतलब हल्का फुल्का जैसे त्वचा वगैरह स्किन है उसमें पीलापन पड़ जाएगा, आंखें सफ़ेद हो सकती हैं, यही इसके नॉर्मली लक्षण होते हैं, थकान वगैरह है, कमजोरी है, पेट दर्द वगैरह, आलस वगैरह, ये सब इसके साइन सिम्टम्स रहते हैं। और इसके केसेस की बात अगर करते हैं हम ग्लेबर्ट सिंड्रोम की, तो 10 lakh केसेस के समथिंग पर ईयर आते हैं इन इंडिया में, ठीक है। आगे बात करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस की, ये क्या होता है, मतलब न्यूनेटल मतलब नवजात, जो मतलब नवजात शिशु होते हैं उसमें हो जाता है ये, मतलब सामान्य स्थिति में नवजात शिशु में हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब त्वचा और जो आंखें वगैरह पीली होने लगती हैं, और इसमें क्या होता है बिलरुबिन बढ़ जाता है, ठीक है, ये हो गया न्यूनेटल जॉन्डिस। ये हमने आपको पूरा समझा दिया हेपेटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट बने पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में हमारा क्या रहता है, कॉमन बाइल डक्ट स्टोन है, ठीक है, और क्या है, पेंक्रियाटिक कैंसर है, पेंक्रियाटिक कैंसर जो मतलब अग्नाशय कैंसर बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो मतलब पेंक्रियाटिक, ये क्या होता है,
मतलब डाइजेशन हेल्पिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है, मतलब कि ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, जो भी इससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये मतलब पैंक्रियाटिक कैंसर होता है, इसका अगर एकदम स्टार्टिंग में इसके सिम्टम्स शो नहीं करते हैं, क्या करता है मतलब इसकी अगर काफ़ी ज़्यादा कंडीशन और बिगड़ जाती है, मतलब लेट से इसके सिम्टम्स शो करते हैं, फिर क्या होता है मतलब ये स्प्रेड वैली बहुत जल्दी फिर ये स्प्रेड होने लगता है और इसकी डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। पैंक्रियाटिक कैंसर की बात करते हैं तो अगर ये इसके अगर डेंजरस कंडीशन में हो गया तो इसकी डेथ रेट ज़्यादा है, मतलब इसके बचने के चांस कम ही रहते हैं, ठीक है। और इसके क्या है मतलब केसेस 10 लाख से कम ही रहते हैं, समथिंग 10 लाख के समथिंग इन ए ईयर, मतलब एक साल में इसके सिम्टम्स इसके केसेस 10 लाख के समथिंग रहते हैं, उससे कम ही रहते हैं, ठीक है। और इसमें सिम्टम्स मतलब प्राइमरी कंडीशन में कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करता है, और नॉर्मली सिम्टम्स इसमें शो करेगा जैसे वेट लॉस है, डाइट वगैरह, भूख वगैरह ना लगना, ठीक है, भूख कम लगना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये सिम्टम्स और डिजीज में भी रहते हैं, तो इस वजह से इसको सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है, और क्या है, हाइलर एंजियन इनलार्जमेंट है, पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा है, ठीक है, कोग्लियो कार्सिनोमा है, क्लास्टिन ट्यूमर है, ठीक है, पेंक्रियाटिक है, और मर्जी सिंड्रोम है। अब जो मर्जी सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक्सट्रेंसिक कंपेरिजन फ्रॉम ए इम्पैक्ट स्टोन, जो मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह हो जाते हैं उस कंडीशन में। इसके भी सिम्टम्स वही होते हैं, जॉइंटस है, फीवर वगैरह है, ठीक है, और ये रेयर कंडीशन में ये डिजीज होती है। आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, प्री हिपेटिक की अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या रहता है, यूरिन है और ब्लड है। यूरिन में क्या होता है मतलब नो बिलरुबिन और यूरोबिलिनोजिबन, क्या है, 2 units, ठीक है। यूरोबिलिनोजिन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मतलब ये नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट होता है यूरोबिलिनोजिन, ठीक है। अगर ये लेटरल या कम मात्रा में प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये इंडिकेशन होता है कि मतलब आपका लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। यूरोबिलिनोजिन मतलब क्या होता है, ये यूरिन में प्रेजेंट होता है, और अगर ये मतलब कम मात्रा में है या प्रेजेंट नहीं है तो ये कंडीशन ऐसी होती है कि मतलब ये आपको एक सिग्नल दे रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब इससे भी अगर जैसे काम नहीं कर रहा तो कौन सी डिजीज हो सकती है, हो सकता है आपको हेपेटाइटिस हो जाए, हो हेपेटाइटिस हो सकता है, या सीरोसिस वगैरह, ये कंडीशन हो सकती है। अब ब्लड की बात करते हैं, ब्लड में क्या होता है, इनक्रीज अनकंजुगेटेड बिलरुबिन, ठीक है, इनक्रीज अनकंजुगेटेड बिलरुबिन, और क्या है, ALP है, एल्कलाइन फॉस्फेट, और क्या है, SGPT, OTPT क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। ये इन्वेस्टिगेशन प्री हिपेटिक की बात हो गई। हिपेटिक में हमारा क्या रहता है, हिपेटिक में अगर यूरिन और ब्लड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बिलरुबिन प्रेजेंट, यूरोबिलिनोजन इंक्रीज और नॉर्मल। देखो बिलरुबिन प्रेजेंट होगा, यूरोबिलिनोजन इंक्रीज भी हो सकता है और नॉर्मल भी रह सकता है, ये कंडीशन हो गई हिपेटिक में यूरिन की, ठीक है। और ब्लड की बात करते तो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन क्या होता है, नॉर्मल और इंक्रीज, ठीक है, नॉर्मल भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। अगर बात करते ALP मतलब SGOT, SGPT तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ये हो गए ब्लड में, ठीक है, प्री हिपेटिक हिपेटिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट हिपेटिक। पोस्ट हिपेटिक में हमारा क्या होता है, बिलरुबिन प्रेजेंट होता है और यूरोबिलिनोजन अब्सेंट होता है। अभी बताया था कि जो यूरोबिलिनोजन होता है ये कहाँ होता है, यूरिन में होता है। अगर ये अब्सेंट है तो इसका सीधा सिग्नल है कि आपका लिवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ब्लड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कंजुगेटेड बिलरुबिन इंक्रीज, ठीक है, कंजुगेटेड बिलरुबिन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और क्या होता है, अनकंजुगेटेड बिलरुबिन नॉर्मल। अनकंजुगेटेड बिलरुबिन होता है वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और जो कंजुगेटेड बिलरुबिन है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे अनकंजुगेटेड बिलरुबिन यहां बोल रहे हैं तो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बिलरुबिन, ठीक है, इनडायरेक्ट। और जो कंजुगेटेड बिलरुबिन होती है उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिलरुबिन। जो कंजुगेटेड बिलरुबिन जो इंक्रीज हो रहा है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट बिलरुबिन होता है, और अनकंजुगेटेड होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है। और ALP, SGOT और SGPT क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ये कंडीशन हो गई पोस्ट हिपेटिक की।
अब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। जैसे देखो कोई भी डिजीज है तो आपको उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मतलब किस या टेस्ट कराने पड़ेंगे, उससे क्या होगा आइडेंटिफाई आप कराएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होता है यूएसएस अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, सिटी स्कैन होगा, और एचआईडीए क्या होता है हेपेटाबिलिबी इम्यूनोडाइसेटिक एसिड, ठीक है। और ERCP है, PTC हमारा क्या होता है प्रोकैरियोट्स ट्रांसफैटिक कोलेंजियोग्राफी, ठीक है PTC। ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की बात करते हैं, इसमें हमारे क्या रहता है असेंडिंग कोलेंजिस, ठीक है। और क्या रहता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर क्या होता है ड्यू टू विटामिन के, मतलब विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है क्लॉटिंग डिसऑर्डर। और क्या होता है विटामिन के नीड्स टू बी गिवन पार्टनरली इमीडिएट करेक्शन FPP, ठीक है। हेपेटो की बात करते हैं, उसमें क्या होता है रीनल सिंड्रोम ड्यू टू ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सीमिया फ्रॉम गट, क्या होता है प्रोपरेटिव लैक्टुलोज एंड हाइड्रेशन। अल्टरेट ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, इसमें हमारा क्या रहता है हाफ लिव्स ऑफ सम ड्रग्स आर एलिवेटेड, इसका एग्जांपल क्या होता है मॉर्फिन। इम्पेयर्ड बाउंड हीलिंग, ठीक है ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट वन इज प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें हमारा क्या रहता है प्री ऑपरेटिव बाइलरी डिकम्पेरिजन, ठीक है। और क्या रहेगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रोफ्लेक्सिस, और पेरेंटियल विटामिन के रहता FFP यूरिनरी कैथेटर, ठीक है। प्री ऑपरेटिव फ्लूड एक्सपेंशन मैनिटोल क्या रहता 250 ml 10%, ठीक है नो प्रोबेन बेनिफिट। ये हमारा प्री ऑपरेटिव हो गया, ठीक है। जॉन्डिस मतलब जॉन्डिस आप एक तरीके से ये रखिए कि मतलब जॉन्डिस का मतलब पी लिया, ठीक है। और इस जॉन्डिस की कंडीशन में क्या होता है कि हमारा लिवर डैमेज होने लगता है। अब इसमें कौन सी कंडीशन रहती है प्री हिपेटिक है हिपेटिक है या पोस्ट हिपेटिक है, तो उस तरीके से उसमें सिम्टम्स आएंगे, उस तरीके की डिजीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है, लिवर सीरोसिस वगैरह हो सकता है, तो ये कंडीशन इसमें होती है। और भी रिलेटेड अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप विदाउट एनी डाउट कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन आई गिव यू रिप्लाई। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।